आप में से बहुत से डायबिटिक पेशेंट धूप में काम करते होंगे और फिर डरते होंगे कि कहीं हमें लू यानी हीट स्ट्रोक न लग जाए, या आप में से बहुत से डायबिटिक पेशेंट के हाथ और पैरों में जलन होती होगी या डायबिटीज के कारण थकान और कमजोरी महसूस होती होगी। ऐसा लगता होगा कि डायबिटीज के कारण अब शरीर में जान ही नहीं बची। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आयुर्वेदिक चीज के बारे में, अगर डायबिटिक पेशेंट उसका सेवन करें तो डायबिटिक पेशेंट की बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ उस चीज को खाने से, उस आयुर्वेद चीज का सेवन करने से जो शुगर लेवल है वो बैलेंस में रहेगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो उस आयुर्वेदिक चीज का नाम है गोंद कतीरा। सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि गोंद और गोंद कतीरा में फर्क होता है। जो ये गोंद होता है ये बबूल का होता है, बबूल के पेड़ के गोंद होता है, इसके लड्डू वगैरह बनते हैं, ये बात आप याद रखें। और जो ये गोंद कतीरा होता है ये थोड़ा अलग होता है। फर्क क्या होता है, ये जो गोंद है ये पानी में घुल जाता है और इसे लड्डू बनाने के काम में यूज किया जाता है। जो गोंद कतीरा है ये पानी को सोख लेता है और जेली जैसे फॉर्म में आ जाता है, तब इसको खाया जाता है। ये बात आपके क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि गोंद कतीरा खाने से डायबिटिक पेशेंट को क्या फायदे होंगे, यानी क्या प्रॉफिट होगा। तो जो सबसे पहला फायदा होने वाला है वो ये कि डायबिटिक पेशेंट को गोंद कतीरा खाने से ताकत मिलेगी और जो थकान कमजोरी यानी टाइर्डनेस वीकनेस है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि गोंद कतीरे में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जब डायबिटिक पेशेंट गोंद कतीरा का सेवन करेंगे तो इससे होगा ये कि हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर में ऊर्जा बनेगी, थकान कमजोरी दूर भाग जाएगी। दूसरा फायदा यह होने वाला है कि डायबिटिक पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं होगी। डायबिटिक पेशेंट अपनी पेट को लेके, अपनी कब्ज को लेके परेशान ही रहते हैं। गोंद कतीरे में प्राकृतिक रूप से फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है, साथ ही साथ इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टी यानी ये थोड़ा दस्तावर होता है। तो अगर डायबिटिक पेशेंट गोंद कतीरे का सेवन करें तो इससे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इससे पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी। जो तीसरा फायदा होने वाला है वो ये कि इससे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये पुरुषों में भी होती है और ये महिलाओं में भी होती है। होता यह है कि जिन पुरुषों को धात की प्रॉब्लम है या जिन महिलाओं के पीरियड्स में ज्यादा श्राव आता है महावारी के समय में या फिर नॉर्मल समय में भी कुछ ना कुछ योनि से निकलता रहता है गर्मी के कारण, उस समय गोंद कतीरे का प्रयोग जरूर करना चाहिए, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट ना हो, क्योंकि गोंद कतीरा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम चाहे वो पुरुष की हो महिला की हो इसे सॉल्व करने की शक्ति रखता है। साथ ही साथ गोंद कतीरे की जो प्रकृति होती है ये शीतल बताई गई है, शीतल यानी ठंडी, और गर्मियों के दिनों में जब पृथ्वी सूरज के पास होती है तो ऐसा बोला गया है आयुर्वेद में कि किसी भी व्यक्ति को चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या ना हो शीतल चीजें खानी चाहिए। तो अगर आप गर्मियों में गोंद कतीरे का सेवन करेंगे तो इससे आपको लू वगैरह यानी हीट स्ट्रोक वगैरह नहीं होगा। ये हुए गोंद कतीरा खाने के फायदे। अब बात करते हैं कि गोंद कतीरा कैसे खाना है और गोंद कतीरा खाते समय क्या सावधानी रखें यानी गोंद कतीरा के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप थोड़ी सी मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में गोंद कतीरे को रोज रात को 7 से 8 घंटे के लिए आधे गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। फिर सुबह ये फूलकर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा क्योंकि गोंद कतीरा पानी को सोखता है। फिर आप इसे ऐसे ही खा लीजिए क्योंकि ये जेली जैसा बन जाएगा, या फिर अगर आपकी शुगर लेवल नॉर्मल चल रही है तो आप इसमें थोड़ी मिश्री या फिर थोड़ा शुद्ध शहद मिलाकर भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत खाने में फिर अच्छा लगेगा। अगर आप इसे बिना शहद या मिश्री के खाएंगे तो इसका स्वाद फीका सा लगेगा। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये नॉर्मल खाना ज्यादा बेहतर होगा। अब सावधानी के तौर पर एक बात आप याद रखें कि गोंद कतीरे को केवल और केवल गर्मियों के मौसम में ही खाएं और गोंद कतीरे को सर्दियों के मौसम में ना खाएं। साथ ही साथ गोंद कतीरा खाते समय आप बहुत अच्छी मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें क्योंकि गोंद कतीरा पानी को सोखता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो ये आपके शरीर के पानी को सोख लेगा जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं जब आप गोंद कतीरे का सेवन करते हैं तब। तो डायबिटिक पेशेंट को पूरे गर्मियों के मौसम में गोंद कतीरे का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।